कॉलेज पर लगाए मृतक के परिजनों ने संगीन आरोप। मृतक के भाई ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, आखिर कब तक चलेगा रेत का अवैध व्यापार। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के ग्वारा अंतर्गत भगवा थाने में रेत का अवैध व्यापार लंबे समय से चरम सीमा पर फल फूल रहा है, जिसने आज एक मासूम की जान ले ली। ग्राम पंचायत सरकना के रतनगंज में हरि सिंह लोही ने बताया कि भगवा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक यूनुस खान मेरे घर पर आए हैं और मेरे भाई कमलेश राजपूत से कहने लगे मेरे ट्रैक्टर से चक्कर लगा दो। सुबह 5 बजे कमलेश राजपूत अपने घर से रेत का ट्रैक्टर भर कर ग्वारा की ओर चला गया और ट्रैक्टर के आगे प्रधान आरक्षक के पुत्र मोटरसाइकिल से जा रहे थे और कहा कि तेज चलाओ, जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे गहरी खाई में जाकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों ने करीब 6 घंटे तक ग्वारा बड़ा बलहरा मार्ग पर भगवा थाने के बाहर शव रखकर जाम लगाए रखा, जिसमें आश्चर्य की बात है कि पूरा दिन प्रधान आरक्षक यूनुस खान थाना परिसर से गदारत रहे। मुर्दाबाद, 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 पुलिस मुर्दाबाद।